दोस्तों कल 3 मार्च को मंगलवार को यहां पे टेलीकॉम इंडस्ट्री पे सबसे बड़ा झटका और लगा, जहां पे जियो, रिलायंस जियो और यहां पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों को ही दोस्तों हजारों करोड़ यहां पे देने पड़े डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार को। दोस्तों ये पैसा वो एजीआर वाला पैसा नहीं है, ये दोस्तों अलग पैसा है जहां पे हजारों करोड़ का दोस्तों इनको फटका लगा है। किस बात की दोस्तों पेमेंट दी गई और क्यों दोस्तों रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल और यहां पे वोडाफोन जैसी कंपनी को 3000 करोड़ यहां पे और यहां पे देना पड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और किस तरह की दोस्तों हलचल अभी चल रही टेलीकॉम सेक्टर पे, उस पे बारे में बात करेंगे। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैन। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर जो है फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट के एजीआर वाले मैटर के बाद हिला पड़ा है। दोस्तों 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, खास करके वोडाफोन आइडिया एयरटेल जैसी कंपनी को 90,000 करोड़ यहां पे देना है। लेकिन एजीआर की बात को हम साइड में रखते हैं, आज जो यहां पे पेमेंट देने की पड़ी दोस्तों वो पेमेंट कुछ अलग पेमेंट है। यस दोस्तों ये जो पेमेंट यहां पे दी गई है दोस्तों लास्ट डेट था दोस्तों ये, क्योंकि सरकार ने 2 साल का दोस्तों इनको टाइम दिया गया था। ये पिछला बकाया पैसा था स्पेक्ट्रम वेव्स का, एयरवेव्स जो लेते हैं दोस्तों ये उसका दोस्तों पिछला था, उसको बोला जाता है डिफर्ड स्पेक्ट्रम ड्यूज। पहले के दोस्तों स्पेक्ट्रम के जो पैसे थे वो बाकी थे, जिसकी डेडलाइन आ चुकी थी फ्रेंड्स 3 मार्च डेडलाइन थी। तो मंगलवार को दोस्तों इन तीनों ही कंपनी ने वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल और जियो ने दोस्तों यहां पे अच्छी खासी अमाउंट अपने लास्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जमा करी है। यस दोस्तों लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेस पे इनको पैसा देना था। सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि सबसे पहले यहां पे भारतीय एयरटेल ने कितना दिया। भारतीय एयरटेल ने दोस्तों यहां पे 1950 यानी ऑलमोस्ट 1950 करोड़, मतलब 2000 करोड़ गिन लीजिए रफली, तो 1950 करोड़ दोस्तों यहां पे डीओटी यानी भारत सरकार को यहां पे दिए। ये डिफर्ड दोस्तों स्पेक्ट्रम यूजर्स का है दोस्तों, डिफर्ड पहले का जो पेमेंट है वो है ये डिफर्ड स्पेक्ट्रम को बोला जा सकता है। तो यहां पे भारतीय एयरटेल ने 1950 करोड़ यहां पे दे। बात करते हैं रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो ने भी दोस्तों यहां पे 1053 करोड़, यस 1053 करोड़, 1053 करोड़ दोस्तों यहां पे डिफर्ड स्पेक्ट्रम यूजर्स के यहां पे दिए। सबसे ज्यादा जो पैसा दोस्तों यहां पे दिया है वो है वोडाफोन आइडिया ने, उसकी पहले से ही दोस्तों यहां पे बजी पड़ी है, पहले से दोस्तों हालत खराब है उसकी। उसने दोस्तों 3043 करोड़ या दोस्तों 3043 करोड़ यहां पे डीओटी यानी भारत सरकार को यहां पे दिए। एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो पेमेंट है पर्टिकुलरली पहले का दोस्तों, ये एजीआर वाला मैटर नहीं है, एजीआर का पेमेंट अलग है, जहां पे 3500 करोड़ फिलहाल अभी तक दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया ने और भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 18000 करोड़ दे दिया। जियो का तो ऑलमोस्ट 198 करोड़ था, वो क्लियर हो चुका है सब कुछ। लेकिन यहां पे अभी दोस्तों वोडाफोन आइडिया की हालत खराब थी, ऊपर से 3043 करोड़ का और यहां पे फटका लग गया। एजीआर की लायबिलिटीज तो दोस्तों अलग है, जहां पे 53000 करोड़ बताया जा रहा है दोस्तों वोडाफोन आइडिया पे, जिसमें सिर्फ 3500 करोड़ यहां पे दिया है। तो दोस्तों ये सारे जो पैसे थे ये पहले के थे दोस्तों, स्पेक्ट्रम की जो डिफर्ड स्पेक्ट्रम की लायबिलिटीज थी वो थे दोस्तों, जो लास्ट में ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था। अब वो पहले का सारा चैप्टर यहां पे खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों यहां पे पहले का पैसा भी इतना सारा था जो इनको अब चुकाना पड़ा। अगर ये नहीं चुकाते तो इनकी जो बैंक लायबिलिटीज थी, बैंक गारंटी थी, वो इवोक कर ली जाती, इनकैश कर ली जाती, इसलिए दोस्तों इनको सारी की सारी कंपनियों को पैसा देना पड़ा। जहां पे बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो सबसे ज्यादा दोस्तों 3043 करोड़ दिए, भारतीय एयरटेल ने 1950 करोड़ दिए, जियो ने दोस्तों यहां पे 1053 करोड़ यानी 1053 करोड़ दोस्तों यहां पे दिए। तो दोस्तों तीनों ही कंपनी, तीनों ही बड़े दिग्गजों को दोस्तों हजारों करोड़ों का दोस्तों यहां पे फटका लगा, जहां पे इनको पहले वाला जो स्पेक्ट्रम यूजर्स का दोस्तों यहां पे डिफर्ड स्पेक्ट्रम यूजर्स का जो पैसा बोला जा रहा है दोस्तों वो इन्होंने भी जमा कराया 3 तारीख मंगलवार कल ही दोस्तों जमा कराया। अब दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर ये वोडाफोन आइडिया दोस्तों कहां से पैसा लाएगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की हालत पहले से ही खराब चल रही है। हो सकता है दोस्तों 6 तारीख को यहां पे जो वोडाफोन आइडिया के सीईओ है दोस्तों यहां पे मिस्टर निक रीड, वो दोस्तों यहां पे मिलने वाले हैं रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मिनिस्टर से। देखते हैं दोस्तों 6 तारीख को क्या अपडेट आएगी, जैसे कुछ आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन आज की न्यूज में दोस्तों ये था कि तीनों ही कंपनी को दोस्तों हजारों करोड़ का यहां पे फिर से फटका लगा है, जहां पे दोस्तों तीनों ही कंपनी ने हजारों करोड़ की दोस्तों अमाउंट यहां पे डीओटी को यहां पे दी। जो पहले का बकाया था स्पेक्ट्रम यूजर्स का वो फिलहाल दोस्तों यहां पे चुकाया गया है। एजीआर वाली बात तो अलग है। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट जो आई थी टेलीकॉम इंडस्ट्री पे पड़े सबसे बड़े वजन के ऊपर, जहां पे हजारों करोड़ का फटका फिर से इन कंपनी को लगा है। प्लीज मुझे बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप तो दे ही देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।